वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रवि कुमार और आज हम लेके आए एक एसएससी का एक बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे डील करेंगे। इजी से मेंस लेवल के सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। सो गाइस, चलिए हम देख लेते हैं। यूनिट प्लेस को हिंदी में इकाई अंक बोला जाता है। इकाई आपको पता है जो स्टार्टिंग का कोई, अगर जैसे मैंने लिख दिया 577, तो ये इकाई अंक होता है, ये होता है दहाई और ये होता है सैकड़ा, आपको पता ही है। लेकिन एग्जाम में एसएससी के जितने भी आप एग्जाम देख लो, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया है और आना तय है। तो इसमें करना बेसिकली आपको कुछ नहीं है, आपको ये यूनिट प्लेस फाइंड आउट करनी है। अगर हम किसी सम को इंटू करते हैं, कुछ भी नंबर दे दिया जाए उसे इंटू किया जाएगा। चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर मैं 4 की पावर 2 लिख दूं, मतलब 4 का स्क्वायर कर दूं, तो मैं ये पूछूं आपसे कि भाई आप इसका यूनिट प्लेस मतलब इकाई अंक बताएं। इसे बोलते हैं इकाई अंक बताना है आपको। तो इकाई अंक के लिए क्या करेंगे आप, 4 का स्क्वायर कर देंगे। क्या होता है 4 चौक 16, और 16 में जो स्टार्टिंग का 6 है ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर मैं थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ। आपने बोल दिया 25 का होल स्क्वायर है, तो आपको ये बताना है इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, मतलब यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए। तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, 625 इसका क्या होता है स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625। अब एंड में आप 5 देखेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए 5। चलिए फिर मैं थोड़ा और बढ़ा दे दूँ। जैसे मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूं आपसे 16 की क्यूब, तो आप अब यहां फंस जाएंगे, क्योंकि अगर आपको 16 की क्यूब पता है तभी आप कर सकते हैं। तो 16 की क्यूब क्या होती है, 4096 की होती है इसकी क्यूब, ठीक है ना। 16 की अगर क्यूब करेंगे आपको ये प्राप्त होगा, तो आप देखेंगे फिर 6 आ रहा है पीछे, तो आप बोल देंगे आंसर 6, ठीक है, इतना तो आप कर ही लेंगे, इजी है ये। फिर इसके बाद चीजें चेंज होने लग जाएगी। चीजें चेंज कैसे होगी, अगर फिर मैं आपसे बोल दूं 42 की पावर, अगर आपको मैं 42 बोल दूं, तो 42 की पावर आप 42 तो कर ही नहीं पाएंगे। फिर मैं कुछ और देता हूँ, 16 की पावर अगर मैं 9 दे दूं, तब आप क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर चलिए अगर मैं आपको दे दूं क्वेश्चन, 5 की पावर 81, तो आपको ये बताना है यूनिट प्लेस में क्या नंबर आ जाए, क्योंकि हम इसको इतनी बार मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते, मतलब सॉरी इसकी इतनी बार मतलब स्क्वायर तो होते ही, स्क्वायर की इसकी पावर है 42, इसको 42 बार लिखना पड़ेगा, तो ऐसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। या इसको हम 9 बार लिखें या इसको हम 81 बार लिखें, ये तो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। तो इसीलिए हम यूनिट प्लेस का एक छोटा सा चैप्टर लेके आए, ताकि आपके सारे डाउट्स फ्रॉम इजी टू एडवांस लेवल सारे क्लियर हो जाए। तो अब हमें करना क्या है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। आपको एक रूल पढ़ना है ना, मैं इसे रफ कर देता हूँ। इसके अंदर एक ही रूल है, वो ही सारी जगह आगे तक अप्लाई किया जाएगा। देखिए हमें करना ये है कि सबसे पहले आपको बेस देखना है, बेस। जैसे 42 की पावर 42 थी, तो इसके अंदर बेस देखना है। अच्छा, बेस का यूनिट क्या है, यहाँ 2, बेस का यूनिट है 2, और उसकी पावर क्या है 42। तो अभी हम पावर की बात करते हैं। देखो आपको क्या करना है, इस 42 को 4 से डिवाइड करना है, इस 42 को 4 से डिवाइड करना है, और फिर आपको रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर कितना बचेगा। क्या देखना है आपको, रिमाइंडर, शेषफल कितना बचेगा। अच्छा, अगर मैं इसको 42 को 4 से डिवाइड करूंगा, तो आपको पता है ये 10 बार में पूरा चले जाएगा, 10 चौक 40, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, ठीक है, 2 बचा। अब आपने करना ये है कि ये जो इसकी यूनिट प्लेस है, मतलब 42 की यूनिट प्लेस है 2, और हमारा जो रिमाइंडर निकल गया है वो है 2, तो आपको क्या कर देना है, इसकी स्क्वायर कर लो 2 दुनी 4, तो 4 आपका आंसर हो जाए, ठीक है, ये फॉर्मेट है। अब मैं इसके लिए आपको फॉर्मूला पूरा लिखवा ही देता हूँ। आपको क्या करना है, कोई भी संख्या
जिसकी पावर होगी, कोई भी संख्या जिसकी पावर कुछ भी होगी, एक्स कोई संख्या उसकी पावर है, तो आपको पहले पावर को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, और फिर आपको रिमाइंडर निकाल लेना है। क्या कर लेना है? रिमाइंडर निकाल लेना है। ठीक है, इतना कर लिया। अब हमें करना ही है कि जो भी रिमाइंडर आएगा ना उसको x की पावर बना दें, इसका मतलब रिमाइंडर कर दो। क्लियर हुआ? जो भी यहां बेस में इकाई अंक है, यूनिट x, मैं इसे लिख देता हूं यूनिट x जो भी होगी उसकी रिमाइंडर कर दो। रिमाइंडर जो निकल के आया है तो वो ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हुआ? आपको 4 से डिवाइड करना है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस भी है। ठीक है ना, इसकी कंडीशन ये है कि अगर रिमाइंडर आपका जो रिमाइंडर है वो अगर जीरो आ जाता है, अगर रिमाइंडर आपका जीरो आ जाए तब हम क्या करें, तब रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता है तो आपकी दो कंडीशन बनती है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। यहां तक दिख पा रहे ना? ठीक है, ठीक है। तो इसकी दो कंडीशन क्या बनती है, इधर देखेंगे। हमें ये पता लगाना है कि इसका अगर बेस इसके जो बेस है अगर वो हो 2, 4, 8 और अगर बेस हो आपके इधर 1, 3, 7 और 9। 1, 3, 5 को छोड़ देंगे, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों। 1, 3, 7 और 9, 2, 4, 6, 2, 6 तो 4 है, 6 नहीं आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो इधर देखेंगे जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो इसका आंसर हमेशा 6 होगा। आंसर इधर देखें जरा। और अगर जब बेस 1, 7, 1, 3, 7, 9 हो, इसका मतलब ऑड संख्या हो, तो आपका आंसर होना चाहिए 1। बस आपको इतना याद रखना है। अब जैसे कि मैंने कुछ और इधर वर्ड्स है, मतलब सॉरी नंबर से उनकी बात नहीं की है, जैसे कि हमारा 5 था, है ना, 5 इसमें नहीं है, सॉरी इसमें नहीं आया था, और हमारा 6 था। ठीक है, और अच्छा 1 को मैं हटा देता हूँ, इसमें 1 का कोई यूज नहीं है, इसमें 1 को मैं इसमें रख लेता हूँ ना 1। तो आपको ये पता चल रहा होगा कि इकाई अंक में अगर ये संख्याएं आ रही हो, इकाई अंक में 5, 6 या 1 का यूज किया जा रहा हो, तब आपको क्या करना है, उसका आंसर वही होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ये देखो, अगर मैं 5 की पावर 21 ले रहा हूं, तो ये सोचो आप 5 की पावर में कितने भी करो 5 ही आएगा, मतलब इनटू करके देखो, जैसे 5 की स्क्वायर होता है तो आप लिखते हैं 25, 5 की क्यूब होता है तो आप लिखते हैं 125, है ना, 5 की 4 लिखते हैं, 5 में 25 पंजे 125 पंजे 625, तो आप देख पा रहे हो इसका आंसर 5, इसका भी आंसर 5, इसका भी आंसर 5। इसका मतलब 5 की पावर कितनी भी कर लो आप, कितनी भी, है ना, तो मैं यहां लिख रहा हूं 5 की पावर आप कितनी भी कर लो, आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा 5। ऐसे ये 6 में भी चलेगा, 6 में कैसे, 6 की पावर के संग तेरे पानियों सा पानी, ये साइलेंट कर दो थोड़ा। ठीक है, 6 की पावर मतलब 6 की पावर स्क्वायर कितना हो गया, 36। क्लियर, और 6 की पावर अगर मैं 3 कर दूं, 6 6 36 6 216, तो आप देखते जाएंगे कितना ही बढ़ा लो, मतलब आप पावर 2, 3, 4, 10, 16, 20, 100 कितनी कर लो, आपका आंसर 6 ही रहेगा। देखो पीछे की डिजिट है 6, तो इसका मतलब यही पता चल गया, अगर 6 की पावर x दिया हो तब भी हमारा आंसर क्या होगा, 6, जो आपको यूनिट प्लेस में दिया हुआ है, मतलब इसका जो पहला नंबर है। ऐसे में बात करूं अगर फर्स्ट आ जाए, 1 की पावर कितनी भी दी हो आपका आंसर 1 ही होना चाहिए। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कुछ। आपको करना क्या है, जो भी पावर दी हो उसको 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर हो, और इसका जो पहला अंक हो यूनिट एक्स उसको रिमाइंडर मतलब उतनी ही पावर कर दो, हमारा वही आंसर निकल जाएगा। फिर मैंने फॉर्मेट बताया ना, अगर रिमाइंडर अगर मैं इसको काटने पर, पावर को काटने पर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो 0 आएगा, है ना, तो 0 अगर रिमाइंडर बचता है तो हमारी दो कंडीशन है, अगर बेस आपके 2, 4, 8 आते तो आंसर 6, अगर बेस 3, 7, 9 आ जाता है तो आंसर इज 1, और बाकी ये रहे, अगर 5 आ जाता तो 5, 6 आ जाता तो 6, 1 आ जाता तो 1।
ठीक है ना, आई थिंक सो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। सो गाइस चलिए हम अपना फर्स्ट टाइप देख लेते हैं। यूनिट प्लेस में हमें क्या क्या करना है। यूनिट प्लेस में ये फर्स्ट टाइप है, तो ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपको इकाई अंक मतलब यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है, अगर इसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले है 13 की पावर 2003। तो मैंने क्या बताया, कुछ मत देखो आप, ऐसा तो है नहीं आप 13 × 13 × 13 ऐसे 2003 तक लिखोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, गलत मेथड है। तो आपको करना क्या है, चार इसको इसकी पावर को 4 से डिवाइड करो। तो अगर मैं इसकी पावर को 4 से डिवाइड करूंगा तो आप देख रहे हैं 2000 पूरा कट जाएगा, क्योंकि 4 × 5 = 20 होता है। रिमाइंडर यहां से बचेगा 3 बचेगा ना। अब क्या करना है, इस संख्या को उठाना है पहली वाली को और इसकी पावर कर देनी है जो उसका रिमाइंडर है। तो इसको अगर 3 बार करेंगे 3 × 3 = 27, तो 27 हमारा आंसर नहीं है। इसका जो पहला अंक है वो हमारा आंसर है, मतलब 7। इसकी जो पहली यूनिट है वो हमारा आंसर है 7। 22 की पावर 23 है, 23 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, आप खुद सोचो 4 × 5 = 20 बचेगा 3, रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा 3। तो यहाँ 2 है, 2 की पावर में 3 कर देता हूँ, 2 × 2 = 4 × 2 = 8, 8 एकदम सही आंसर है। 7 की पावर 105 है, तो 105 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कैसे हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 2 उधर गया, 4 × 6 = 24, एक रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा ना आपको 105 को 4 से डिवाइड करने, एक रिमाइंडर बचेगा। तो 7 × 7 = 1 कितना हो जाएगा, 7, तो इसका आंसर 7। 3527 की पावर 654 है, इसको 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 4 × 4 = 4, 2 उधर गया, 4 × 6 = 24, 1 इधर गया ना, 4 × 3 = 12, 2 बच गए रिमाइंडर। तो हम उठाएंगे 7 × 7 = 2, 77 × 49 और पीछे का आंसर है 9। तो हमारा आंसर 9 है ना कि 49। 122 की पावर 173 है, 173 को 4 से डिवाइड करूं, 4 × 16, 1 उधर गया, 13 बन गया, 4 × 3 = 12, फिर रिमाइंडर 1 रह गया, तो 2 × 1, तो आंसर इज 2। तो इसका आंसर 7 8 7 9 2। इसको देख लेते हैं, 323 उसकी पावर है 48। अच्छा ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ फॉर्मेट कि आपको याद रहे, है ना। तो इधर देखेंगे यहाँ 48 आ रहे हैं, तो 48 की पावर को अगर मैं मतलब 48 को 4 से डिवाइड करूँगा तो ये तो 0 बचेगा रिमाइंडर। अभी देखो कंडीशन आ गई, जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो हमें क्या करना है, 2 4 8, अगर ये जो बेस है हमारे, ये बेस है, अगर बेस में ये सारी संख्या आ रही है तो आंसर 6 और 1 होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो बेस आ रहा है इसका रिमाइंडर 0 बचेगा। अब 3 की पावर 0 रख देंगे हम, 3 की पावर 0 तो रख देंगे, है ना। लेकिन अब हम देखेंगे जब रिमाइंडर 0 आएगा और उसका बेस अगर इनमें से कुछ आ रहा है, देखो 3 आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है, तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, 1। तो इस पूरे का आंसर 1। इसको देख लेते हैं हम, अगर 9 9 8 की पावर 64, अच्छा ये 4 से पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0, चलो इसे 0, तो फिर हमारे यहाँ यूनिट प्लेस क्या है, 8। तो 8 किस में आ रहा है, इसमें फर्स्ट में, तो आंसर इज 6। क्लियर। 2941 की पावर 401 है, तो अब देखो हमें यहाँ पावर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पहले यहाँ ये देख लेना 1 की कितनी भी करो पावर 1 ही आता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, 1 की पावर 2 3 4 या 401 तक करते जाओ 1 ही आंसर आएगा। ये देख लेते हैं 72595 की पावर 20,000, फिर आप 4 से डिवाइड करते, ये करते वो करते, ऐसा नहीं करना है आपको, यहाँ पे देख लेना है 5 आ रहा है, 5 की पावर कितनी भी करो आप आंसर 5 आएगा। ऐसी 2166, 6 की पावर कितनी भी करो आंसर कितना आएगा, 6। आई थिंक सो ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एक क्वेश्चन एसएससी या अदर कोई भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। सो गाइस चलिए हम अपनी नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 ये है कि आपको इन सभी का भी इकाई अंक यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, जब ये इतनी बड़ी मल्टीप्लाई हो, ऐसा तो है नहीं हम पहले इसको मल्टीप्लाई करें उसके बाद हम यूनिट प्लेस देखें, है ना, तो ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ से इस वाली संख्या का 4 निकाल लेना है, यहाँ से 8 निकाल लेना है, यहाँ से 7 निकाल लेना है और यहाँ से 3 निकाल लेना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, 8 × 32, तो 32 का फिर 2 निकाल लिया हमने, ठीक है,
फिर ये कट गया, दो रह गया, फिर दो सत्ते 14, 14 का 4 रह गया, फिर 4 3 12, 12 का क्या रह गया, 2। तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ, 2। कि आप इन सभी को इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2। चलिए 5627 की पावर 153 है और 617 की पावर 23 है, तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ। 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, ठीक है, 12 और 3 उधर गया, 33 बन गया, 4 8 32, एक रिमाइंडर रह गया। तो इसकी पावर अगर मैं 7 की पावर 1 करूँगा तो 7 ही रहेगा, तो यहाँ से आ गया है पहले से 7, है ना, इस वाले से 7 आ गया। और फिर इधर देखो इंटू में, इधर से करेंगे, 1 की पावर में कितनी भी कर दूं 1 ही रहेगा, आंसर 7 एकम 7। इसको करेंगे 3 6 9 4 की पावर, इसको 4 से डिवाइड करूंगा, 4 6 16, 16 और फिर कितना हो जाएगा, 3 4 9 36 36 और 1 37, 1 इधर बचा, 4 3 12 और 1 13, एक रिमाइंडर रह गया, 1 4 की पावर 1 4, यहाँ से रिमाइंडर 1 बच गया। इंटू में 615 की पावर 317 है, तो 5 की पावर कितनी भी करें हम 5 ही आएगा आंसर, और 841 की पावर कितनी भी करें 1 आएगा आंसर, ठीक है। अब इसे इंटू कर लेते हैं, 4 5 20 और 0 1, तो आंसर 20 तो नहीं होगा, पीछे का 0 आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट, 3 की पावर 61 है, 3 की पावर ये 3 की पावर ये, 61 को भाग देंगे, कितने कितने 4 से कितना आएगा, 4 4 एकम 4, 2 उधर गया, 4 5 20, एक रिमाइंडर, तो 3 की पावर 1 क्या होता है, 1 3। इसको करेंगे 3 की पावर 43 है, 4 40 से पूरा जाएगा, 3 रिमाइंडर, 3 3 9 3 27, 27 का क्या आ जाएगा, 7, है ना, तो यहाँ से 3 आया, यहाँ से 7 आया, मतलब 3 आया फिर 7 आया। अब इधर से देख लेते हैं, सॉरी 7 की ये है 82, तो 4 2 8, 2 रिमाइंडर बचा, 77 उसकी पावर 2 कर दो, 7 की पावर 2, 77 49, पीछे रह गया 9, तो इसको कर देते हैं, 9 7 63, 63 का 3 और 3 3 9, तो आंसर इज 9। 2 4 6 7 की बार 153 और ये है, पहले इसको 4 से डिवाइड किया, 4 चौक 4 3 12, 12 3 15, 4 8 32, एक रिमाइंडर बच गया, तो 7 की पावर 1 क्या हो जाता है, 7, तो यहाँ से 7 आ गया। 3 4 1 की पावर ये, 1 की पावर कितनी भी करो 1 आएगा, तो आंसर है 7, क्योंकि 7 एकम 7। चलिए नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अच्छा ये माइनस वाले अभी मैं बाद में कराता हूँ, पहले प्लस वाले देख लेते हैं। 101 की पावर ये है, अच्छा मैंने बताया था 1 की पावर कितनी भी करो आंसर इज 1, यहाँ प्लस है नहीं, ना कि इंटू है, 2 की, अच्छा ये है 2008, तो ये पूरा आपको पता है 20 भी पूरा 4 से डिवाइड होगा, 8 भी पूरा 4 से डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। और जब रिमाइंडर 0 बच जाता है, और हमें ये फिर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिट प्लेस के बना 2, तो 2 किस में आता है, पहली कंडीशन में, 2 4 8, तो आंसर कितना होना चाहिए, 6, ना कि 2, तो यहाँ जाएगा 6, ठीक है ना। तो इधर से रिमाइंडर आया 6, इधर से आया 1, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 7, तो इसका आंसर 7। अब माइनस वाला देख लेते हैं, 983 इसकी पावर ये है, अच्छा ये 4 से पूरी तरह डिवाइड होगा 84, तो 0 रिमाइंडर। अच्छा हम दूसरी कंडीशन में जाएंगे, रिमाइंडर की 2, अगर रिमाइंडर 0 होता तो 2 होता था ना, यहाँ पे अगर रिमाइंडर बराबर 2, तो अगर 2 आता है, 4 आता है और 8 आता है, या 3 आता है, या 5 7 आता है, या 9 आता है, तो इसका आंसर होता है 6, इसका होता है 1, तो इधर देख लेंगे 93 3, इसमें आ रहा है आंसर इज 1। माइनस 2 है, 54 है, 4 एकम 4 उधर गया, 1 14, 4 3 12, 2 रिमाइंडर बचा, और 2 2 4, ठीक है ना, तो 2 की पावर 2 कर देंगे, 2 2 4। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आंसर 1 में से -4 घटाएंगे तो -3 आंसर नहीं होगा, कैसे ना देखो, क्योंकि आप ये बताओ यूनिट प्लेस कभी -3 में हो सकता है, नहीं, माइनस में कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा अगर मैं ये बोलूँ इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इतनी बार, तो मैंने मान लिया 2 3 4 5 6 कुछ भी आया, लेकिन यूनिट प्लेस वन आई, ठीक है, मैंने इसको भी मान लिया माइनस है बीच में, इसकी मैंने इस इतनी बार 54 बाई की, तो 9 6 3 2 4 कुछ भी आया, लेकिन एंड में 4 भी आना जरूरी है, 6 4 ऐसे मैंने मान लिया, एंड में 4 आया जरूर, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर आप इसमें से, अच्छा ये कितने हैं, 1 2 3, एक डिजिट और बढ़ा लेता हूँ, इसे कर देता हूँ 9, इसे 10 कर देता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, यहाँ सॉरी यूनिट प्लेस 1, यहाँ पे यूनिट प्लेस 4, लेकिन आप देखोगे जब इसमें से ये घटाएंगे
तो यहाँ पे ये पूरा लिखोगे संख्या, तो यहाँ पे 64 आएगा घटाने पे, है ना, यहाँ पे पूरी संख्या 9 6 ये सब कुछ। तो आप देखोगे कि एक हासिल इधर से लेते हैं, तो यहाँ 11 में से 4 गएंगे तब 7 बचेगा। तो इसका मतलब हमें करना ये है कि यहाँ कोई भी संख्या रही होगी तो ये 11 ही बना होगा, क्योंकि एक रिमाइंडर मतलब हासिल लेके एक आया होगा, तो ये 11 में से 4 घटाएंगे तो आंसर इज 7, ना कि -3। क्योंकि आप देखो इसे कैसे भी गुणा, मतलब आपने इसको गुणा कर दिया इतनी बार, मैंने मान लिया ये आ गया, लेकिन यूनिट प्लेस जो है बनाना चाहिए, इसका यूनिट प्लेस 4 आना चाहिए, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 7 ही तो आएगा। चलिए इसे देख लेते हैं, अब 7 की पावर 59 है, तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूँ, 4 दूनी 8, एक उधर गया 15, 4 तिया 12 13 14 15, 3 बच गया। तो 7 की पावर 3 क्या होता है, 77 49 343, ठीक है, तो 3 पीछे आ जाएगा, माइनस का मतलब 3 आ जाएगा। अब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, इधर आ गया 18, 4 चक 16, 2 बच गया, और 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 तिया 9, तो यहाँ से 9 हो गया। फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है कि 3 में से -9 तो जा नहीं सकता, लेकिन यहाँ कोई ना संख्या ये 13 रही होगी, कैसे ना कैसे 13 बनी होगी, तो 13 में से 9 घटाएंगे, 13 में से 9 घटाएंगे, 9 4 13, तो आंसर इज 4। इसे देख लेते हैं, पहले यहाँ प्लस करना है फिर माइनस, तो यहाँ 9 9 9 है, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 चौक 16, 3 उधर गया, 4 नेम 36, फिर 3 उधर गया, 4 नेम 36, है ना, तो बच्चा रिमाइंडर 3, ठीक है। तो 7 की पावर 3 करेंगे आप, 7 की पावर 3 आपको पता है 3 4 3, तो इसका रिमाइंडर मतलब सॉरी यूनिट प्लेस आ जाएगा 3, प्लस में इसकी 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही रहेगा, और माइनस में यहाँ है ये, तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ भी अभी हमने किया था रिमाइंडर कितना बचा था 3, तो 7 की पावर 3 करेंगे 3 बचेगा 3, ठीक है, तो इधर से क्या हो जाएगा 4 और 3 और 1 4 हो जाएगा, और -3, तो आंसर 1, तो आप क्या लिख सकते हैं 1 इज द राइट आंसर। ऐसे ही से देख लेते हैं, अच्छा हो गए सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, आई थिंक सो ये भी आपको क्लियर हो गए। तो यहाँ मल्टीप्लाई में, लेकिन ये प्लस माइनस वाले जरूर याद रखें आप, प्लस माइनस वाले कैसे करने हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, सो गाइस चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टाइप नंबर 3। 3 में ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, और इसमें पूछेगा इकाई अंक बताएं, इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक फाइंड आउट करें, अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई करूँ उससे डिवाइड करूँ तो सभी का आंसर मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है, इतना बड़ा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इन सबको मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो फिर हम आंसर निकालें। तो सबसे पहले हमें इसके फैक्टर कर लेने, फैक्टर मतलब गुणनखंड, इसका मतलब इसको अगर मैं तोड़ूँ तो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ 2 × 2 उसकी पावर 30 तोड़ सकता हूँ, 2 × 2 = 4, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ फिर 2 की पावर 30 × 2 की पावर 30 लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 की पावर 10, ये तो टूटा हुआ है इसे पूरी तरह तोड़ना है, ये भी टूटा हुआ है 2 की पावर 30 × 2 की पावर 30 × 3 की पावर 35, 3 तो टूटेगा ही नहीं, ठीक है ना, यहाँ है 2 की पावर 25 × 3 की पावर 25, क्योंकि ये दोनों टूटेंगे नहीं। अब आपको क्या करना है, ये पूरी तरह से जो इसके बेस है ये पूरी तरह से टूट चुके हैं, अब नहीं तोड़ा जा सकता है, तो हम देख लेंगे 2 2 2 2, यहाँ बेस सेम है, आपको पता है जब बेस सेम हो, है ना, जब क्या हो बेस सेम हो, जैसे ये हो गया वाई हो गया जेड हो गया, तो इसका आंसर क्या होता है एक्स ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका मतलब अगर आपके बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं इस हिसाब से। तो मैं लिख दूंगा 2 2 2 कितना हो गए 10 20 30 30 30 60 30 90, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 90 × 3 की पावर 35 रहने देता हूँ, अपॉन में 2 की पावर 25 × 3 की पावर 25 है। अब आपने ये भी रूल पढ़ा होगा कि ए की पावर एक्स हो और ए की ही पावर वाई हो, तो हम इसे लिख सकते हैं ए की पावर एक्स माइनस वाई। अब अगर ये डिवाइड में हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, है ना, सर्ट्स एंड डिसेस में शायद आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो हम उसके भी वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे। तो आप देखेंगे 2 की पावर 90 है, तो 2 90 में से, है ना, और नीचे है 2 की पावर 25, तो 90 में से 25 घटा दो कितना बचेगा 5, इधर बचा 8 8 में 65, तो इसका मतलब यहाँ जो आ जाएगा 2 की पावर 65 आ जाएगा, है ना, बस हमने पावर्स को माइनस कर दिया और 2 तो रह गई यूनिट सॉरी बेस में, इंटू में यहाँ देख लेते हैं
तीन की पावर 35 है, तीन की पावर 25 है, तो 35 में से 25 गए, 10 बचा, तीन की पावर क्या बचा, 10। तो अब ये सिंपल वाला क्वेश्चन बच गया, बन गया आपका कि अगर 2 की पावर 65 है, 65 को मैं चार, अब इसका निकालो आप क्या यूनिट प्लेस, 65 को 4 से डिवाइड करो, 4 एक 4 उधर गया 2, 4 6 24, एक रिमाइंडर बचा, तो 2 की पावर 1 हो गया 2, तो में इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दुनिया 8, 2 10, 3 की पावर 2, 3 3 9, तो 9 दुनिया 18, 18 भी आंसर नहीं है, आंसर इज 8। तो इतना करना है आपने। नेक्स्ट देख लेते हैं ये सेम, अब इसे मैं थोड़ा शॉर्ट में और थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो इधर हमें करना क्या, पहले इसको तोड़ लूँ, ये टूटेगा 3 की पावर 25, 3 दुनी 6 टूट जाएगा ना, 3 दुनी 6 ये 4 टूट जाएगा, 2 की पावर 40 इंटू में 2 की पावर 40, जितनी पावर है वो तो सेम रखनी है, ये कैसे टूट जाएगा, 2 की पावर 30, 2 दुनी 4 दुनी 8, इसका मतलब ये 2 दुनी 4 दुनी 8, तीन पेयर बनेंगे इसके, इसके बनेंगे 2, इसके भी 2, अब ये टूट नहीं सकते, इसको भी तोड़ लेते हैं, तो 2 की पावर 10, 3 की पावर 10 ना, 3 दुनी 6, अब हम देखेंगे यहाँ 2 की, ये इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 25, 2 की पावर 25, 2 की पावर 40, 2 की पावर 40, 2 है ना, 2 की पावर 30, 2 की पावर 30, 2 की पावर 30 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा यहाँ 3 की पावर 150 भी थी, 3 की पावर 50, इसको हमने छोटा कर लिया एकदम, इसे भी तोड़ लेंगे हम, तो ये बचेगा 2 की पावर 10 इंटू में 3 की पावर 10 इंटू में 3 की पावर 20 इंटू में 2 की पावर 50, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम 2 की पावर निकाल लेते हैं, तो ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा है ना, तो पीछे से ऐड करते हैं 30 30 60 30 90 और 9 4 13 130 130 और 40 170 170 और 25 कितना हो गया 195 ना, तो 2 की पावर यहाँ कितने को 195, अब यहाँ है 3 वाली ले लो 3 और ये 3, तो 50 और 25 कितने हो गए 55 इंटू में सॉरी 50 और 25 75 है ना, तो हम कह देंगे 3 की पावर 75 और नीचे क्या है 2 की पावर ये भी 2 की पावर ये 50 और 10 60, 2 की पावर 60 इंटू में 3 की पावर कितनी 20 10 30, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 95, अच्छा अब 2 की पावर 2 इसे घटा दूं 95 में से 60 घटा दूंगा 5 और ये 3 135, मतलब 2 की पावर 135 बच गई इंटू में 75 में से 30 घटा देंगे तो 5 3 की पावर 5 और 45 है ना, तो अब हम अपना वही बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे कि ऊपर है 135 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 एक उधर गया 15, 4 3 12 बचा कितना 3, तो 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8 इंटू में ये 4 से पूरी नहीं जाएगा 44, एक रह जाएगा रिमाइंडर, तो 3 की पावर 1 3, तो 8 3 24, 24 पूरा आंसर नहीं होता, हमारा आंसर है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। आई थिंक सो अगर आप ये वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो आपको करना ही है कि इसका आंसर आपको खुद बताना है, ठीक है ना, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दो। चलिए हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। सो गाइस चलिए हम अपना नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, जिसे जो है फैक्टोरियल, फोर टाइप है फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल की आपकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब ये है क्वेश्चन कि आपको इकाई का अंक, इसका मतलब इकाई अंक फाइंड आउट करना है, सभी क्वेश्चन का यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है, तो इसे कैसे करना है, फैक्टोरियल पहले मतलब देख लो, ये जो साइन होता है फैक्टोरियल का होता है, ऐसे अगर ये हो तो ये फैक्टोरियल का साइन है, या अगर ऐसे दिया हो तो ये भी फैक्टोरियल का साइन है, अगर मैं ये बोलूँ कि फैक्टोरियल 5 और ये भी फैक्टोरियल 5, तो इसे भी फैक्टोरियल हो जाएगा इसे भी, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको एक इस संख्या को 5 तक लिखना है इंटू में 1 2 3 4 5, तो आप इसे गुणा करेंगे 5 और 20 दिए 60 दुनी 120, तो इसका आंसर 120 हो गया, इसका मतलब फैक्टोरियल 5 का आंसर होता है 120, आपको ये हल्का सा याद रखना है, ठीक है। चलिए ऐसे मैं और वैल्यूज निकाल बता देता हूँ, अगर ये है फैक्टोरियल इसे भी बोलेंगे तो इसे भी ऐसे लिखेंगे, इसका भी आंसर यही हो,
अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल वन की तो आंसर वन, अगर फैक्टोरियल टू की बात करूं तो कैसे हो जाएगा, वन इंटू में टू, दो एक कम दो। फैक्टोरियल थ्री की बात करूं तो जाएगा वन इंटू में टू इंटू में थ्री, तो आंसर तीन दूनी छः, छः आंसर इसका दो इसका एक। फोर की बात करूं वन इंटू में टू इंटू में थ्री इंटू में फोर, चार दिए 12 दूनी 24, तो इसका आंसर 24 फैक्टोरियल फोर। और फाइव तक में आपको पता है 120 जो अभी हमने निकाला है आंसर। तो इधर देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कुछ आते हैं मल्टीप्लाई में है तो आपको इसका यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। अच्छा ये बताइए फैक्टोरियल टू की पावर मतलब क्या था, दो, तो ये हो गया दो इंटू में, फैक्टोरियल थ्री के अंदर यूनिट प्लेस मतलब इसको इंटू करेंगे तो 6 आता था, चार में क्या हो जाएगा, चार में 24, तो 24 इसका आंसर 24 होता है मतलब फैक्टोरियल, लेकिन हमें तो यूनिट प्लेस चाहिए, यूनिट हो गया इसकी चार, तो यहाँ चार लिख लिया। अब इसको मैं इससे गुणा कर देता हूँ, 6 दुनी 12, और 12 12 चौक या 12 में से भी एक दो यूनिट ले लो, दो क्योंकि यूनिट प्लेस है दो, और 2 चौक 8, तो आंसर इसका 8। इसे देखेंगे दो दो आ गई इधर, दो तीन है, तीन में आता है 6, पांच में आता है आपका कितना आता है 120। तो आप अब यहां देखो जब मैं इसको इससे गुणा करूंगा 6 दुनी 12, और 12 से 12 इसको इससे गुणा, अच्छा पीछे का 2 ले लिया, 2 इंटू में 24, और पीछे 0 भी आ रहा है, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर ये संख्या कुछ भी बन रही हो, जैसे ये बन रही है 6 दुनी 12, 12 इंटू में 120 करोगे 12 144 0, तो आपका यूनिट प्लेस तो 0 ही आ रहा है। तो आप ये देखेंगे कि 5 के बाद जितनी भी संख्याएं होंगी वो 0 बनेगा, है ना, 0 बनेगा, तो इसका पूरे का आंसर 0, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो वो पूरा 0 बन जाता है। देखो इसका 2 आया, इसका 6 आया, इसका 120 आया, इसका कुछ भी आया, करते करते जाए पीछे, लेकिन 0 भी तो आ रहा है, तो 0 को किसी भी संख्या से 2 6 जैसे 120 आया, किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आता है, इसलिए इसका आंसर 0। 4 की बार 23, ये 2 है ना। अच्छा चार, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया है, इसके अंदर 4 की फैक्टोरियल उसकी पावर 20 है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसके अंदर इसे लिख लेंगे, इसे कैसे लिखते हैं, यहाँ तक लिख रहे हैं, इसे कैसे लिखते हैं, 4 24 फैक्टोरियल 4 की पावर और उसकी पावर 20, इसे कैसे लिखते हैं हम 6 6 की पावर 20, इसे कैसे लिखते हैं 2 2 की पावर 20, तो आपको आप ये तो सिंपल फर्स्ट टाइप बन गया हमारा कि 24 है उसकी पावर 20 है, इसको 4 से डिवाइड करो 0, और जब 4 आ रहा है तो 4 में आंसर आता है 6, कराया था ना फर्स्ट टाइप, 6 है ये 20 है 4 6 6 में 6, अच्छा 6 की पावर कितने में करो 6 आता है, इसको करेंगे 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 2 की पावर, अच्छा 2 आ रहा है तो 2 में भी 6, अब 6 6 36 216, आंसर पीछे कितना आ गया 6, क्योंकि हमें गुणा नहीं करना है, हमें पीछे से यूनिट प्लेस उठाना है। चलिए देख लेते हैं 21 और क्या है पीछे फैक्टोरियल, अब पावर के अंदर फैक्टोरियल आएगी 2 की पावर 21 की, अभी तक तो ये था तो आप कर देते थे इजी, आपने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 5 20, 1 रह गया है ना, तो 2 की पावर 1 2 आंसर होता था, लेकिन अब यहाँ 21 की फैक्टोरियल है तो हम क्या करेंगे, अच्छा 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ऐसा चलता जाएगा 21 तक। अच्छा इसको मैं गुणा करूंगा तो आप ये बताओ गुणा करने पर यूनिट प्लेस यहाँ 5 भी है तो 5 और 20 0 बन गया, तो 0 किसी संख्या से भी गुणा होगा तो 0 बनेगा, तो इसका मतलब इस पूरे का क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ इसको गुणा करेंगे तो 0 तो आएगा यूनिट प्लेस पे। अब यहाँ पे हमारा क्या है, इसको मैं पूरा 0 बना देता हूँ, इसका मतलब 2 की पावर 0, तो आंसर क्या होगा 0 या 1 या 0 या 2 या 1 भी नहीं होगा, कैसे इधर देखेंगे, मैंने बताया था जब रिमाइंडर 0 बचता है और नीचे बेस 2 है तो 2 का आंसर क्या हो जाता है 6, तो इसका आंसर 6, इसका आंसर 6, अभी तो हमने किया था इसे हटा करके तब 2 बन रहा। अच्छा इसको कर लेते हैं 4 की पावर 99 और फैक्टोरियल भी है तो 99 कहीं तक भी करेंगे आंसर यहाँ 0 आएगा, पता है आपको है ना, तो 4 की पावर 0 तो आंसर 0 तो होगा नहीं है ना, या 1 भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा हमें पता है यहाँ बेस क्या है, वो फर्स्ट वाला जो हमने कराया था है ना, जिसके अंदर 2 4 या 8 आ रहा हो, तो 4 आ रहा है तो 4 का आंसर होता है 6, तो इसका भी 6 इसका भी 6,
अब इसमें देख लेते हैं, ये 71 तक है, 71 तक ये जीरो हो जाएगा, तो 8 की पावर 0 आंसर 6, ठीक है ना, 68 यहां तक जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये पता चल रहा है इधर देखो कि जैसे ही हम 5 से ऊपर जाएंगे ना, जैसे ही हम 5 से ऊपर जाएंगे जीरो बनना स्टार्ट हो जाएगा, बस आपको याद रखना है जीरो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो 5 से बहुत ज्यादा है, ये भी जीरो, 7 आएगा तो आंसर 1 होता था, बेस में अगर 7 आ रहा है, अभी तक देख लेते हैं ये भी जीरो, अगर और 6 की पावर कितने भी करो 6 ही आता है, है ना, तो यहाँ से 6 6 6 36 सभी को गुणा करने पर 36, तो यहाँ आंसर हमारा 6 क्योंकि हमें यूनिट प्लेस चाहिए, यूनिट प्लेस। चलिए देख लेते हैं प्लस वाला क्वेश्चन, इसकी पावर 68 है तो ये जीरो और जब बेस 3 आ रहा है तो आंसर 1, प्लस ये 5 की पावर मैं कितनी भी करूँ चाहे उसके ऊपर फैक्टोरियल ही क्यों ना लगाऊं आंसर 5, 9 की पावर 65 है, 65 में 0 बने गए क्योंकि फैक्टोरियल के साथ है, अब 9 जब बेस में आता था तो हमारा आंसर आता था 1, तो 5 2 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। तो आई थिंक सो आपको ये वीडियो पसंद आई, यही था आज का फैक्टोरियल टाइप और मतलब पूरा यूनिट प्लेस यही था। इसके अंदर हमने जो चार अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए आप देख सकते हैं, आप एसएससी उठा लो, रेलवे उठा लो, बैंक उठा लो, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसे अच्छे से गो थ्रू कर जाओ एक दो बार, तीन बार, चार बार, क्योंकि देखो यार ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार वीडियो देख ली, वॉच आउट कर ली तो आप सारे ही क्वेश्चन बता पाएंगे, आपको याद रहेगा, ऐसा नहीं होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है, आपको करना ही होता है, आपको नोट डाउन करना होता है, नोट्स बनाना होता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं उसे रिवाइज करोगे, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आ गए आप बता सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो कुछ नए स्टूडेंट हैं या जो हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या कोई भी प्रीवियस वीडियो आप देखना चाहते हैं हमारी, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ को अपलोड कर दूँगा, मतलब उनके लिंक, तो आप उन लिंक पर अगर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से जितनी भी हमारी प्लेलिस्ट है उससे आप सारी वीडियोज़ देख सकेंगे प्रीवियस वाली, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैंने बताया लास्ट टाइम भी बताया था कि कमेंट हमें ये पता लगाता है, बताता है हमें कि भाई वीडियोस कैसी चल रही है या आप हमें क्या, हमारे अंदर क्या कमी है, उसे क्या करने की ज़रूरत है, क्या रिमूव करना है, क्या उसके अंदर एडिशन करना है, नया चैप्टर कौन सा बनाया जाना है, तो ये आप कॉमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और एक मैंने क्वेश्चन भी दिया था इससे पहले, उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आप दें कि उसका आंसर कितना होना चाहिए। आई थिंक सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कॉमेंट, शेयर, लाइक एंड थैंक यू, बाय बाय।